मोइन भाई, हमारे इब्राहिम का छोटा बेटा इशक एक बड़ी फिल्म बना रहा है। आपके जीवन की कहानी पर आपको पता है क्या? मैंने भी सुना है। इस फिल्म से शायद तुम्हारी किस्मत रंग लाएगी। सच में तुम बहुत खुशनसीब हो। तुम लोग चुप रहो, शूटिंग लेट हो रही है ये बोल करके तुम उस पर केस कर दो, मुंह मांगी कीमत मिलेगी। तुमने पेपर नहीं पढ़ा क्या? एक आदमी ने ऐसे ही केस कर दिया था, लाखों कमाए थे। अगर ये भी ऐसा करते हैं तो दोबारा कभी स्नैक्स बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही कहा। सही कहा। वैसे इशाक, तुम अकेले आए हो क्या? यस सर, अगर साथ में किसी को लाता तो खर्चा बढ़ता ना सर। वैसे भी मेरी हालत बहुत टाइट है सर। प्रसाद है क्या? अंदर है सर। डिस्ट्रीब्यूटर मिला क्या? मैंने कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स को मूवी दिखाई है सर। उन सभी को फिल्म बहुत अच्छी लगी। पर इस तरह की मूवीज बिजनेस नहीं करती, ऐसा उनका मानना है। पर सेंसर के सारे मेंबर्स अरविंद सर को अवार्ड गारंटी मिलेगा कह रहे हैं। प्रसाद, गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? फाइन फाइन। प्रसाद, ये इशाक है। हेलो, प्लीज सिट। इन्होंने हिंदी में एक बहुत बढ़िया फिल्म बनाई है। ओह, गुड गुड। मुझे उस फिल्म पर बहुत भरोसा है। और आज उस फिल्म को नेशनल अवार्ड में भेजने के लिए लास्ट डेट है, तो मटेरियल चाहिए। व्हाई नॉट, डेफिनेटली। वैसे मूवी का नाम क्या है? जुगनुओं का आकाश। इंदु, जुगनुओं का आकाश अकाउंट स्टेटस हाँ मुझे लाके दो। सर, आपने जो कैश मंगवाया था वो रेडी है सर। ये उन्हें दो। हाँ प्लीज। थैंक यू। इशाक, अरे इशाक, तुझसे मिलने मोइन खान आया है। जब तू आता है तभी क्यों आता है वो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
कुछ नहीं, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा तुमसे एक बार मिल लूँ। कैसे हो? ठीक हूँ। काम कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। ओहो, वो मैं तुमसे एक चीज मांगने आया हूँ, मुझे 2000 रुपये दोगे? चलता हूँ। ठीक है। क्यों आया था वो? ऐसे ही। हेलो, कहाँ हो भाई? यहाँ कब आ रहे हो? आज दोपहर की ट्रेन से आ रहा हूँ। आते ही मेरे घर पर आना। क्यों सर? पहले तुम आ तो जाओ, एक जरूरी बात करनी है। ओके। केंद्र सरकार द्वारा घोषित किए हुए नेशनल अवार्ड में साल नाम की मूवी को 4 नेशनल अवार्ड मिले। इसमें एक्ट्रेस शीतल को बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। एक्ट्रेस शीतल की ये पहली फिल्म है। 6 सालों में पहली बार एक और एक्टर को अवार्ड मिलने जा रहा है। उस एक्टर का नाम है अरविंद, जुगनुओं के आकाश फिल्म के लिए। थैंक्स सर, कांग्रेचुलेशन सर। मूवी के लिए कहानी अहम होती है या निर्देशक? मक्खियां, चूहे, बिल्ली, ये सब तो आप लोगों ने फिल्मों में देखे ही हैं, लेकिन इनमें से कोई भी जानवर कभी फिल्मों के निर्देशक नहीं बन पाए। अरविंद जी को अवार्ड मिलने से सब साथ में आए। टीवी चैनल्स, सैटेलाइट राइट्स का अच्छा रेट मिला। अरविंद जी के हेल्प से अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर भी मिला। अरविंद जी की जय। मूवी को पब्लिक का अच्छा रिस्पांस मिला। अरविंद जी को सम्मान भी मिला। अरविंद जी की मूवी की सक्सेस से मैंने अपना सारा कर्ज उतार दिया, सभी को उनके पैसे वापस कर दिए। मैंने जो तुमसे पैसे लिए थे वो ये लो, जैसा तुमने कहा था एक एक पैसा लौटा रहा हूँ। थैंक यू। और उसके साथ साथ तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट भी लाया हूँ, देखो। ये क्या है? अच्छा है। मोहन चाचा, चलता हूँ। हाँ ठीक है। मैं जब जब गांव आता था, मोहिन चाचा छोटा छोटा अमाउंट ले जाया करते थे। सीधी बात कहूँ तो मैंने थोड़ा पैसा जमा भी कर लिया है। मूवी के लिए जो लोन लिया था वो भी दे दिया। उस मूवी के लिए जब अरविंद को अवार्ड मिला तो हम सारे फ्रेंड्स ने मिलकर एक बड़ी पार्टी की थी। उस दिन तुम्हें टीवी पर देखा तो हमने उस दिन खुशी से बहुत डांस किया। अभी सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मूवी की बात कर रहे हैं। तुम्हारा नाम बता के मैं भी उस चीज का फायदा उठाऊंगा। वैसे अरविंद से एक बार मिलना है। कहते हैं अरविंद को बहुत गुस्सा आता है और वो बहुत ईगो वाला, क्या ये सच है? मुझे तुम्हारे और अरविंद के साथ एक सेल्फी लेकर उस फोटो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करना। इसाक, उन्होंने तुम्हें पहचान लिया, तुम बहुत फेमस हो गए हो। तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। वो अपनी जिंदगी में एक भी फिल्म नहीं देखे होंगे। फिल्म के अभिनेता को, डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को पहचानने वाले बहुत लोग होते हैं। सर, मैंने आपकी फिल्म देखी है सर, बहुत अच्छी है सर। थैंक यू। फिल्म देखते देखते थिएटर में ही रो दिया था मैंने। तुम्हारा नाम क्या है? संतोष। गांव कौन सा है? इडकी। इडकी से यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं। तुमने पढ़ाई कहाँ से की है? मैंने MBA बेंगलोर से किया है। MBA करके तुम ये काम कर रहे हो? सर, तो आइए दोस्तों, अब रुख करते हैं इंडियन सिनेमा की तरफ। चांस का वेट कर रहा हूं सर। हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में नए नए कलाकार और प्रोड्यूसर्स आते रहते हैं, उनसे मिलता रहता हूं। क्या पता कुछ बात बन जाए। ऑस्कर नॉमिनेशंस का डेब्यूटेंट डायरेक्टर इज़ाक इब्राहिम, और उन्होंने डायरेक्ट की है हिंदी फिल्म जुगनुओं का आकाश,
जो फॉरेन सिनेमा कैटेगरी में सिलेक्ट हुई है। सिनेमा के इतिहास में ऑस्कर में सिलेक्ट हुई पहली फिल्म जुगनुओं का आकाश, और इसके लिए हम डायरेक्टर इब्राहिम को बहुत दूर तक ले जाएगी। कांग्रेचुलेशन, और आशा करते हैं आगे भी वो हमारे देश का गौरव बढ़ाते रहेंगे। और भी खबरें बाकी हैं, अरविंद जी को कॉल करता हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आपके फिल्म का बजट केवल 50 लाख रुपए है। ऑस्कर नॉमिनेशन के लिए जो प्रमोशन करना पड़ता है उसका बजट आपकी फिल्म के बजट से 2-3 गुना ज्यादा होगा। आप उसे कैसे मैनेज करेंगे? 100-200 करोड़ वाली मूवी के लिए भी ऑस्कर प्रमोशन करना बहुत मुश्किल होता है, तो आप कैसे करेंगे? आपकी मूवी ऑस्कर अवार्ड में कोई प्रभाव दिखा पाएगी क्या? इसमें से किसी का आंसर मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपनी फिल्म लेकर वहाँ जाऊँगा।